मॉर्निंग, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज वेव योर हैंड, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज वेव योर हैंड। एट्थ एफ, आई एम नॉट ऑडिबल। एट्थ एफ ऑडिबल, ओके, थैंक यू, डाउन डाउन डाउन। सो प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। एट्थ एफ इज नॉट येट सेटल्ड। मैम सर 8 3 कंबाइन। ओके बेटे, ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट ऑलमाइटी हैज गिवन अस अनदर चांस टू इंप्रूव अवर नॉलेज। सो विदाउट एनी डिले फर्दर, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ लाइट। ऑलरेडी वी हैव डन सम आर्टिकल्स ऑफ दिस यूनिट। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू आर्टिकल। शाबाश बेटे, फ्यू स्टूडेंट आर स्टिल रोमिंग इन द क्लासेस। यू शुड बी रेडी विद द नोटबुक। प्लीज पुल आउट योर नोटबुक, डबल कलर पेन, रेड और ब्लू, ब्लैक, एनी टू कलर्स, एंड असाइनमेंट। ये तीन चीजें आपके टेबल पर हो, अदर देन दीज नथिंग शुड बी ऑन द टेबल। इट अननेसेसरी क्रिएट्स क्लटर। शाबाश, कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, लेट्स स्टार्ट। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एवरीबॉडी द हेडिंग। शाबाश, प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन द हेडिंग। लो बेटे, फर्स्ट ये मेन हेडिंग है हमारा, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले समझने पड़ते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस दोस। नंबर वन, टाइप्स ऑफ मीडिया ऑप्टिकली। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, मीडियम्स की कितनी थ्री टाइप्स होती हैं लाइट की नजर से। शाबाश, लाइट की नजर से मीडियम की कितनी टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स। एक बच्चा कह रहा टू टाइप्स, विच इज नॉट करेक्ट। देखो बेटे, अगर मैंने यहां पर एक बुक ले लिया, बुक, राइट? थ्री टाइप्स। शाबाश, थ्री टाइप्स करेक्ट। और इस बुक के पास यहां से लाइट की टॉर्च ऑन करी, तो बुक में से लाइट पास नहीं होती, नो लाइट, ये हो गया टॉर्च। तो जिन मीडियम्स के थ्रू लाइट पास ना हो, बुक हो गया, ब्रिक हो गया, वुड हो गया, उनको हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक। शाबाश, ओपेक टाइप वन। अब अगर यही ट्यूब लाइट मैंने ऑन करी होती, सोर्स ऑफ लाइट, ग्लास शीट सामने रखा होता कांच का, या
ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रखा होता या बिल्कुल ऐसी बर्फ रखी होती तो बिल्कुल जमने के बाद ट्रांसपेरेंट हो गई हो। तो क्या मैं नोट करता हूं, इस तरफ लाइट पहुंचती है और बड़ी अच्छी एफिशिएंसी से पहुंचती है। ऐसे मीडियम्स की टाइप को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। अब सुनो तीसरी बात बेटे, ये 8th E में बच्चे अभी तक रोमिंग कर रहे हैं। प्लीज 8th E में थर्ड पॉइंट और सुनो, अगर मैंने टॉर्च को ऑन करा और सामने एक पेपर, थिन पेपर रखा, थिन पेपर, लेकिन इस थिन पेपर को मैंने मस्टर्ड ऑयल में डिप करने के बाद रखा, कोई दूसरा ऑयल भी हो सकता कोकोनट ऑयल, कोई भी तेल, इसमें डिप करा थिन पेपर को और वापस निकाला और यहां रखा। अब मैं क्या देखता हूं, जब सोर्स ऑफ लाइट ऑन करते हैं तो इसके पास थोड़ी बहुत लाइट निकलती है, पर ग्लास शीट की तरह अच्छी तरह से नहीं निकलती, कुछ पार्ट निकल पाता है लाइट का। तो जिन मीडियम में लाइट थोड़ी बहुत निकल पाए, एफिशिएंटली ना निकल पाए, मीडियम की उस टाइप को कोई बच्चा बता सकता है? ट्रांसलूसेंट 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 मीडियम बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओके, तो 3 टाइप्स हमने पढ़ी। अब हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर आगे बढ़ेंगे। शाबाश, तो ये लर्निंग पॉइंट वन था। मेरा ख्याल है सभी बच्चों को समझ आ गया, कोई खास बात नहीं थी। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट। मेमोरी टूल क्या बना, OTT, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, OTT। आजकल आप टीवी पे देखते हो OTT प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स, नेटफ्लिक्स पे, और ये उस वहां से उस समझ लो आपने मेमोरी टूल बना ली। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। शाबाश, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इनकी भी कैटेगराइजेशन की जा सकती है, इनको भी क्लासेस में बांटा जा सकता है। कैसे, लर्निंग पॉइंट सेकंड, शाबाश, सभी बच्चे देखेंगे कि कैसे। योर अटेंशन बेटे, अगर मैंने यहां से लाइट को ऑन करा और इधर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एयर, तो मैं देखता हूं इसमें लाइट बहुत स्पीड से निकल जाती, हवा में से लाइट बहुत स्पीड से निकल जाती है। लेट मी टेल यू, इट्स वेलोसिटी 10^3 × 10^8 m/s। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसकी जगह आइस ले लिया होता, जमा हुआ पानी, आइस, और उसमें से लाइट थ्रो करता, आइस भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन जब उसमें लाइट थ्रो करता हूं तो मैं देखता हूं लाइट की वेलोसिटी थोड़ी कम पड़ जाती, और वो वेलोसिटी होती है इतनी 2.25 × 10^8 m/s। याद भी रखनी है ये वैल्यूज। अगर मैं कांच की शीट ले लूं, उसमें लाइट थ्रो करूं बेटे टॉर्च को ऑन करके, तो निकल जाती है वहां से भी, लेकिन वेलोसिटी और भी कम हो जाती। तीनों में से एफिशिएंटली लाइट निकल पाई, लेकिन स्पीड में फर्क पड़ गया। जिस मीडियम में लाइट स्पीड से निकल, ज्यादा स्पीड से निकले, उसको रेयरेस्ट मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे, रेयर, और जिसमें कम होगी वो डेंसर हो गया मीडियम। डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ये वो वाला डेंसर नहीं है जिसमें आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ के आए हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
वैसे नहीं लेना डेंसिटी को, याद रहे साइंस ऑप्टिकल का मतलब है बस डेंसर मीडियम है ही वहां पर, वो जिसमें लाइट स्लो पड़ती जाए। अगर किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में इससे भी कम लाइट होगी तो वो कांच के मुकाबले डेंसर हो जाएगा। अब ये भी रेयर हो गया, तो इन दोनों में देखें तो ये रेयरेस्ट हो गया, जिसमें लाइट की वेलोसिटी, याद रखना लाइट की वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो मीडियम रेयर से रेयरेस्ट होता चला जाएगा। ऑप्टिकली रेयरर, इसका प्रॉपर नाम है ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। ओके, अगर उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होती जाए तो हम कहेंगे मीडियम डेंसर होता चला जाए। ये सेकंड लर्निंग पॉइंट था। जिन बच्चों को पिछला पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम और हाउ टू क्लासिफाई दी ट्रांसपेरेंट मीडियम दोनों समझ आ गए, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस रेस्पॉन्स। इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन लर्निंग पॉइंट पे, थर्ड। क्या मेन एडिंग था? रिफ्रैक्शन। तो इसको हम पढ़ते हैं बेटे, ध्यान से सुनना। या बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे, देखो ध्यान से, टीचर ने क्या करा, टीचर ने एक सेपरेटिंग मीडियम ले लिया, सेपरेटिंग लेयर, जिसके एक तरफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर यानी ट्रांसपेरेंट भी है और उसमें लाइट ज्यादा स्पीड से चले जाती है, एक तरफ है लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जो सरफेस इसको बीच में से सेपरेट कर रहा है उस सरफेस का नाम हमेशा याद रखना है बेटे, उसका नाम होता है रिफ्रेक्टिंग एज, रिफ्रेक्टिंग एज, और कुछ भी नाम नहीं बोल सकते आप, ऐसे नहीं बोल सकते डिमार्केशन लेयर, सेपरेशन लेयर, नो, जो साइंटिस्टों ने टर्मिनोलॉजी दे दी वही बोलना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनो, एक फिगर ये बनाया मैंने और दूसरा मैं बना रहा हूं व्हाइट कलर से, उसके अंदर मैंने ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इधर रखा, अपोजिट कर दिया, डेंसर अपर, जबकि ऑप्टिकली रेयरर इधर रखा, बीच में व्हाइट कलर की जो लाइन है वो रिफ्रेक्टिंग एज है। कोई बच्चे कह सकते हैं सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, जैसे मैं इसको यहां पर रख दूं वाटर और यहां क्या रख दूं एयर, इधर क्या रख दूं ऑप्टिकली रेयरर वाटर, इधर क्या रख दूं ग्लास। कोई बच्चा कह सकता है सर वेट वेट वेट, यहां पर तो आप ऑप्टिकल वाटर को डेंसर कह रहे हो, यहां पर आप वाटर को रेयरर कह रहे हो, ये क्या बात हुई? बेटे कंपैरिजन करना होता है, पानी में लाइट की वेलोसिटी हवा के मुकाबले पानी में लाइट की वेलोसिटी कम है तो ये डेंसर हुआ, पानी में कांच के मुकाबले लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए ये रेयरर हुआ, इसीलिए मैंने तीनों वैल्यूज आपको बताई। पानी में कितनी? 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकंड, कांच में कितनी? 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड, हाँ वैक्यूम या एयर में कितनी? 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैंने लाइट थ्रो करा बच्चे, कौन सा, कहां से थ्रो करा? स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से लाइट आया, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर गिरे हैं उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं बेटे, और जहां से मैं अगर एक ऐसी लाइन बना दूं जो रिफ्रेक्टिंग एज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको बोलते हैं नॉर्मल। देखते हैं किस बच्चे ने ध्यान से सुना, क्या मेरे को 8th G में से प्रभजोत
माइक पे आके बता सकता है कि पी पॉइंट का ये है, पी पॉइंट, पी पॉइंट का क्या नाम बताया मैंने प्रभजोत 8th G में। बेटे कैन यू टेल मी, देखो पूछने लग गया साथ वाले, पूछ के बताना तो क्या बताना, इसका मतलब लेक्चर ध्यान से नहीं सुना। ठीक है जाओ, प्रभजोत नहीं बता सकता। इसी क्लास में एक और बच्चा है दिशांत, दिशांत बेटे कैन यू टेल मी पॉइंट पी को टीचर ने अभी अभी क्या बोला था। शाबाश शाबाश दिशांत, साइंस है बेटे, बहुत अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो दूसरा बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना, जाओ नहीं आता जाओ। दिशांत कुड नॉट टेल, एक अभी अभी बताया मानव 8th G, मानव 8th G बेटे पॉइंट पी का टीचर ने अभी अभी नाम बोला था, क्या बोला था, जहां पर लाइट गिरती है इंसिडेंस। सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही, सो फुल मार्क्स टू मानव, मानव ने बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब मानव की प्रेजेंस ऑफ माइंड दिशांत और प्रभजोत के मुकाबले कहीं बेटर। शाबाश, तो पी को हमने बोला था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टर्मिनोलॉजी भूल गए तो फिर कुछ कुछ नहीं सीखा फिर आप। और इसी नॉर्मल डॉटेड लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ये येलो वाला नॉर्मल ग्रीन लाइन वाले रिफ्रेक्टिंग एज पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब ऐसा नोट करा गया, ध्यान से सुनना बेटे, ऐसा नोट करना करा गया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि येलो लाइन इधर जाएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन नोट करा गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है, वो भी रेयरर से डेंसर में जब जाती है, तो लाइट अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़कर, डॉटेड वाला येलो पाथ छोड़कर, व्हाइट वाले रास्ते को फॉलो कर लेती है, यानी यहां से नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है ना ये बेटे, देखो ऊपर भी लिखा है नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक की कितने एंगल से, डेल्टा एंगल से। डेल्टा, डेल्टा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट का क्या मतलब होता है, टेढ़ापन आ जाना। और इंसिडेंस लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे निकली नई वाली, इसको रिफ्रेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड रे, इसने कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इसके साथ, नॉर्मल के साथ। और इंसिडेंस एंगल ने रिफ्रेक्टिंग एज के साथ कितना बनाया, येलो इंसिडेंट रे ने ग्रीन वाले रिफ्रेक्टिंग एज के साथ कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ ग्लांस। जी को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, लिख लो कोई भी नहीं पता, जी स्टैंड फॉर एंगल ऑफ ग्लांस, आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर स्टैंड फॉर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, डेल्टा स्टैंड फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात है कि लाइट यहां से आ रही थी, हम सोच रहे थे यहां पर पहुंचेगी, लेकिन पहुंच गई यहां पर, तो रेयरर मीडियम से डेंसर में आते हुए लाइट ने अपने रास्ते को स्ट्रेट लाइन रखते हुए चेंज कर ली डायरेक्शन, रखा स्ट्रेट लाइन पाथ लेकिन डायरेक्शन चेंज कर ली। इस फिनोमिना को रिफ्रेक्शन बोलते हैं। और हमने क्या सीखा, जब रेयरर से डेंसर में आती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इसमें हमने क्या सीखा बेटे, आई और जी का टोटल 90 डिग्री, पहले भी पढ़ा था हमने। और क्या सीखा, गौर से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने लगा हूं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे देखो, टीचर ने एक एंगल को शेड कर दिया है ब्राउन कलर से, ये वाला एंगल ब्राउन कलर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस से वर्टिकली अपोजिट है, ब्राउन कलर वाला एंगल 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 ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, लेकिन ब्राउन कलर वाला खुद इन दोनों के टोटल के बराबर है, आर प्लस डेल्टा के टोटल के बराबर। देखो
आर और डेल्टा को टोटल करोगे तो ब्राउन एंगल बन गया। ब्राउन एंगल खुद किसके बराबर है? वर्टिकली अपोजिट मैथ का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। तो याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। गॉट इट? अब हम चलते हैं दूसरे वाले आर्ट, उसमें फिगर में। उसमें मैं लाइट हवा से पानी की तरफ फेंक रहा हूं। ये नहीं, चलो अपोजिट ले लेते हैं। सॉरी सॉरी, ये मैं इसको क्योंकि रेयर से डेंसर तो हम ले ही चुके बेटे, ठीक है? अब हम देखो, रेयर से डेंसर आ गया। अब हम डेंसर से रेयर लेके जाते हैं, डेंसर से रेयर। जब डेंसर से रेयर जाते हैं बेटे, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां बनाया एंगल ऑफ ग्लास, ये था नॉर्मल क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। व्हाइट कलर के सेपरेशन लेयर को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। और इस 90 डिग्री वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। लेट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स। अब सुनना ध्यान से, जब डेंसर से रेयर में आती है तो हम सोच रहे थे कि लाइट यहां से चल के ए यहां पहुंचेगी, पर यहां नहीं पहुंचती। वो नॉर्मल वाली लाइन से परे हट जाती है, परे को, उधर को, यानी वो अपने ओरिजिनल रास्ते येलो डॉटेड को छोड़कर पिंक कलर को फॉलो करती है, ये वाला रास्ता। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। कितने एंगल से मुड़ गई उधर को, जिसको टीचर ने व्हाइट कलर से दिखाया एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन डेल्टा डैश। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, जिसको टीचर डबल लाइन से दिखा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इधर क्या था, लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है। अब एक खास बात, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री होंगे टोटल। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जो मैं बताने लगा हूं। जिस एंगल को टीचर ग्रीन कलर से डार्क कर रहे हैं, सॉरी व्हाइट कलर से शेड कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखो आप। इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये व्हाइट एंगल किसके बराबर है? आई डैश के, वर्टिकली अपोजिट। पर व्हाइट एंगल इन दोनों एंगलों में क्या रिलेशन शो करता है? आर डैश और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन शो करता है? व्हाइट वाला एंगल, शेडेड वाला एंगल। देखो ध्यान से बताओ, शेडेड वाला एंगल आर डैश एंगल और डेल्टा एंगल में क्या रिलेशन बताता है? आर डैश इज द डबल ऑफ डेल्टा। अरे यार, मैं बड़ा हैरान हूं बच्चे, बड़ा हैरान हूं कि छोटी सी बात नहीं बता रहे भाई। आर डैश टोटल एंगल है, उसमें से डेल्टा डैश माइनस कर दो, तो डेल्टा डैश माइनस करने से इतना बचेगा, इतना बचेगा, तो वही तो व्हाइट एंगल है जिसको शेड करा। तो आर डैश माइनस डेल्टा डैश एंगल जो ये दे देगा हमें, और ये किसके बराबर है? आई डैश के बराबर, आई डैश के बराबर। देखो तो यहां टीचर ने क्या सिखाया कि इन्हीं दोनों टो एंगलों के प्लस के बराबर था आई, कब? जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो इन्हीं दोनों एंगलों के माइनस के बराबर एंगल होने चाहिए। दोनों फिगर बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट। शाबाश। माइनस के बराबर कब? जब लाइट डेंसर से रेयरर में आए। और प्लस के बराबर कब? जब लाइट रेयरर से डेंसर में आए। और इन दोनों फिनोमिनाज को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। शाबाश।
रिफ्रैक्शन। अच्छा बेटे, दो बातें और सीखनी हमने इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मेन लर्निंग पॉइंट 3 था। फोर्थ लर्निंग पॉइंट और फिफ्थ लर्निंग पॉइंट और सिक्स्थ लर्निंग पॉइंट, यहां तक सारे पॉइंट आपस में लिंक होंगे। नाउ आई एम टेलिंग द फोर्थ लर्निंग पॉइंट। शाबाश, पूछा जाएगा। एट्थ ए के बच्चे रेडी रहे हैं, पूछूंगा मैं। शाबाश, ध्यान से सुनना बेटे। कोई बच्चे अगर मेरे से पूछे कि सर रिफ्रैक्शन इधर ज्यादा हुई कि इधर ज्यादा हुई, ध्यान से सुना, मैं ये बोलूंगा उस बच्चे को, बेटे जिस तरफ डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डैश ज्यादा है या एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी फिगर में रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रही है। लिखो, मोर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट डेविएशन, लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन। आई रिपीट, मोर द एंगल ऑफ डेविएशन, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी बच्चे ये रेड कलर वाला बॉक्सा बना लो, रेड कलर वाला बॉक्सा बना लो सभी बच्चे इस पॉइंट के बाद। और देखो, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजेस, व्हेन डेल्टा इंक्रीजेस इंप्लाइज रिफ्रैक्शन मैग्नीट्यूड आल्सो इंक्रीज, रेड कलर के बॉक्स में जो लिखा है। दूसरी बात सुन लो ध्यान से, दूसरी बात। शाबाश, सर रिफ्रैक्शन होती क्यों है? लाइट अपनी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन रखते हुए फिर भी मोड़ क्यों ले लेती है दूसरे मोडियम में? ओरिजिनल रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से क्यों जाती है? यानी रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है तो लाइट वो रास्ता फॉलो करने की कोशिश करती है जिसमें उसको कम से कम अटक लगे। लिखो शाबाश, द काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, द काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट दैट लाइट वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, लाइट वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। शाबाश, एक पॉइंट और। मान लो मेरे से एट्थ ए क्लास की काजल बच्चा पूछता है, सर कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे हम मेजर कर सकें कि रिफ्रैक्शन ज्यादा है या कम है? मैंने कहा बेटे अभी तो बताया आपको, डेल्टा ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा है। दूसरा बच्चा मेरे पास आया दिलप्रीत, कहता है सर कोई और पैरामीटर भी है डेल्टा के बिना जिससे मैं ये कह सकूं रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है? मैंने कहा यस, है एक पैरामीटर, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के जोड़े का ज्वाइंट करेक्टर होता है। मतलब अगर मैंने इन दोनों में से एक भी मीडियम चेंज कर दिया, राइट, जैसे पानी की जगह मैं कांच लेकर आ गया और इधर एयर ही रखा, तो एकदम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यानी डेल्टा भी चेंज हो जाए। दोनों मीडियम का एक ज्वाइंट करेक्टर होता है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही डेल्टा बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा हुआ। लिखो शाबाश, देयर इज ए पैरामीटर नेमली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर इज ए पैरामीटर नेमली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ
फुल स्टॉप, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, आई रिपीट, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम्स, लार्जर इज द रिफ्रैक्शन। फर्स्ट बेंच पे लिख नहीं रहा बच्चा, मोर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लार्जर विल बी एंगल ऑफ डेविएशन, लार्जर विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। मान लो जैसे मैंने ये पॉइंट समझाया दिलप्रीत को, तो एक बच्चा अंजलि करके मेरे पास आता है 8th A में से, वो कहती है सर वेट वेट वेट, ये जो आपने नया पैरामीटर बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको निकालते कैसे हैं और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इसका होता ही नहीं है, यूनिटलेस। पहले तो लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस पैरामीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस पैरामीटर। इसका सिंबल ये होता है बेटे, म्यू, म्यू बोलते हैं इसको, MU, म्यू ग्रीक लेटर है। इसको कभी कभी स्मॉल एन से भी लिख देते हैं किताबों में, स्मॉल एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या पैरामीटर बताया टीचर ने? यूनिटलेस। दूसरा क्या बताया बेटे हैं? मोर द वैल्यू ऑफ म्यू, मोर विल बी रिफ्रैक्शन। और तीसरी बात क्या बताई बेटे हैं? मोर विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। इन अच्छा एक के बढ़ने से तीनों, दोनों तीन तीनों पैरामीटर या इकट्ठे बढ़ेंगे या घटेंगे। ओके, तीसरा बच्चा मेरे से पूछता है, अंजलि ने क्या पूछा था? सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लो लाइट फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में गई, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में गई, तो जब सेकंड में जाती है तो बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी लाइट वन से टू में आई। फिर से सुन लो इसको क्या बोला जाएगा, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाए, मुझे नहीं पता कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है वन और टू में से, लेकिन इतना पता है कि वन से टू में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू का बोला जाएगा, जिसमें लाइट बाद में आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है? दो वेलोसिटीज को आपस में डिवाइड कर दो। सर कौन कौन सी को डिवाइड करना है? जहां से लाइट आ रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वो रखना आपने न्यूमरेटर में। जहां से लाइट चलेगी, जहां पर लाइट चलेगी, वो नीचे रखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, इन मीडियम टू। गॉट इट? एग्जाम्पल दें एग्जाम्पल, अगर हवा में से कांच में लाइट जाए तो बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऊपर किसकी, कहां, कौन सी वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। नीचे कौन सी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में लाइट एंटर करी। अब आप सभी बच्चों को पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकंड ऊपर रखेंगे, नीचे भी मीटर पर सेकंड रखेंगे, और दोनों आपस में कट गए, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट ही नहीं होता इसका। अगला पैरामीटर ध्यान से सुनना, सर मान लो मेरे को यह पता है कि सेकंड मीडियम डेंसर है मान लो, और फर्स्ट रेयरर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर बोला जाएगा फिर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। जैसे हवा में से कांच में आई लाइट,
अगर डेंसर में विद रिस्पेक्ट टू रेयरर है तो याद रखना इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन होती है। सर अगर अपोजिट कर दें, मैंने कहा क्या मतलब, जैसे डेंसर से रेयरर में सर, मैंने कहा क्या मतलब, सर जैसे कांच से पानी में, अगर कांच से पानी में आ रही है लाइट तो इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। लाइट यहां से यहां जाती है ऊपर वाले मीडियम से नीचे, जब रेयरर का निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू डेंसर तो आंसर हमेशा लेस देन वन आएगा, हमेशा लेस देन वन। एक और पॉइंट सुनो इसका, ये क्या बताया है टीचर ने बेटे, ये सारी चीजें क्या है, फीचर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फीचर्स ऊपर हेडिंग दे सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फीचर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक बच्चा आता है 8th D। यस लाइट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। नो नो नो, स्नेल्स लॉ यहां नहीं होता बेटे, वो अभी बाद में है, बताया ही नहीं मैंने अभी स्नेल्स। मान लो मेरे पास एक बच्चा आता है 8th B का, अश्मिता, कह रहे सर, कहती सर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगे थे आप, तो मैं कहूंगा ध्यान से सुनना, अब अगर नीचे वाला मीडियम कोई भी हो पर ऊपर वैक्यूम हो, वैक्यूम या आप एयर भी कह सकते हो, वैक्यूम का मतलब टोटल खाली स्पेस, हवा भी नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली एयर कह सकते हो, या एग्जैक्ट सेंस में हवा भी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में आए, किसी भी मीडियम में, तो नेचुरली वो मीडियम डेंसर होएगा कंपैरेटिवली वैक्यूम के, क्योंकि वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, और दूसरा मीडियम ऑप्टिकली कोई भी मीडियम हो, कांच हो, पानी हो, कुछ हो, वो डेंसर है। तब ध्यान से सुना, तब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता, तो इसका नाम बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड ऐड करना है, वो भी तब जब लाइट वैक्यूम से आए, लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम, इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू दी मीडियम फुल स्टॉप, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। मान लो इसी क्लास में एक बच्चा आता है रामकृष्ण 8th B में, वो कहता है सर आपने यहां जो एब्सोल्यूट वर्ड लगाया वैक्यूम वाला तो बाकी कहीं नहीं लगा सकते अगर ये वैक्यूम ना हो कोई और मीडियम हो, तो आंसर इज वैक्यूम से अगर लाइट नहीं आ रही किसी भी और मीडियम से आ रही हो तो एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगेगा। अगली बात इंपॉर्टेंट, शाबाश, ध्यान से सुनना। एक बच्चा कहता है सर म्यू को निकालने का आपने ये फार्मूला बताया, बहुत अच्छी बात है, क्या इसके बिना भी कोई मेथड है? मैं कहूंगा बेटे पहली बात तो ये जो मैंने येलो बॉक्स बंद करा है इसको डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लिख लो बॉक्स करके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ ले तो इसी की लैंग्वेज बना दो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द लाइट इन मीडियम टू इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ये डेफिनेशन है इसकी। तो बच्चा कह रहा है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन जो आपने निकाला है क्या इसका कोई और मेथड भी है? मैं कहूंगा यस बेटे है। सूरज बच्चा मेरे से पूछते सर बताना कौन सा मेथड है, तो मैं उसको ऐसे बताऊंगा ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा बेटे थोड़ी देर पहले हमने फिगर पढ़े थे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था, उसी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया था, दोनों एंगल का साइन ले लो, साइन
सर साइन क्या होता है? बेटे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपको 10th क्लास में समझाया जाएगा अच्छी तरह से। बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ऐसे ही याद कर लो फिलहाल। ये जो फार्मूला है इससे भी म्यू की वैल्यू वही निकलेगी जो इधर से निकली। दोनों बॉक्स फार्मूले सेम देंगे, दोनों बॉक्स वाले फार्मूले सेम देंगे। अब एक प्यारा सा बच्चा बोला था, सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ना उसको नहीं, जिस जगह पर टीचर ने डॉट लगाया उसको स्नेल्स लॉ नहीं बोल सकते, जिस जगह पर टीचर ने डबल डॉट लगा दिया उसको ही स्नेल्स लॉ बोल सकते हैं। स्नेल्स साइंटिस्ट था, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंगल डॉट वाले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बोलेंगे, डबल डॉट वाले को स्नेल्स लॉ बोलेंगे, लेकिन दोनों ही फार्मूले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेम वैल्यू निकाल के देंगे। अब बताओ कितने बच्चों को समझ आ गया ये वाला पॉइंट? शाबाश, वेव योर राइट हैंड, वेव योर राइट हैंड। देखो जब बच्चा खुद पढ़ता है ना बेटे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल की लैंग्वेज में छुप जाते हैं। जैसे कोई ऐसे पढ़ रहा हो उसमें से पॉइंट निकालने होते हैं, जब टीचर पढ़ाता है तो उस सारे पॉइंटों में से मेन पॉइंट निकाल के बताता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फीचर बता दिए टीचर ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेट मी आस्क नाउ, शाबाश काजल बच्चा 8th ए, देखें इस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्लीज कम ऑन द माइक काजल, प्लीज कम ऑन द माइक काजल 8th ए, नॉट लिसनिंग। काजल जब मैंने पढ़ाते पढ़ाते बेटे आपका नाम लिया था तो आपका क्वेश्चन क्या था मेरे को? मान लो काजल ने मुझसे पूछा क्या था आपका क्वेश्चन, मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड देख लिया। लो अपना ही क्वेश्चन नहीं याद, जाओ जाओ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। अंजलि, इसी क्लास में अंजलि, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला था कि मान लो एक बच्चा अंजलि मेरे पास आए, वो पूछे ऐसे क्या था आपका क्वेश्चन? माइक ऑन करो अच्छे से। अपनी पार्डन, फिर से। एनी अदर वे टू करेक्ट करेक्ट, शाबाश, बैठो बैठो, ये बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हुआ। 8th बी में रामकृष्ण आ जाए माइक पे, रामकृष्ण 8th बी। देख लो बेटे आपके नाम में दो दो भगवानों के नाम हैं, आपको आंसर बताना ही होगा। शाबाश, कौन सी ऐसी क्वांटिटी मैंने आज बताई जिसका कोई यूनिट नहीं होता? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश, टेक योर सीट। 8th सी में वनीत, वनीत करके बच्चा आ जाए मेरे पास 8th सी माइक पे। इसी क्लास में नवदीप भी आ जाए, नवदीप, वनीत आया बेटे 8th सी में। यस यस आपके लिए बेटे क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ का क्या फार्मूला था? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? स्नेल्स लॉ इंडेक्स। बोलो। वेरी सैड, इतना धीरे धीरे पढ़ाने के बावजूद भी आप सुन नहीं सके, मैंने उसको अपनी बैग के पीछे छुपा लिया और आपको नहीं बोल पा रहे आप। इसी क्लास में कोई और बच्चा बताएगा, प्लीज कम ऑन द माइक। सर सीन इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन बेटे, रिफ्रैक्शन, साइन बोलना है इसको, सीन नहीं बोलना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चा कामयाब हुआ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं अनामिका से, 8th डी अनामिका।
अनामिका बेटे प्लीज कम ऑन द माइक। इसके साथ साथ इसी क्लास में इशिता भी आ जाए। इशिता, अनामिका बेटे आपका क्वेश्चन ये है, शाबाश, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड कब लगाते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब लगाते हैं वर्ड? वेन वी शुड पुट द वर्ड एब्सोल्यूट इन फ्रंट ऑफ सर, टर्म? जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जब नो, वैल्यू 1 होती है। सर, बिल्कुल नहीं, जाओ, नहीं दे सके, जाओ। सैड। इसी में इशिता, इशिता प्लीज कम ऑन द माइक। 8th D अवेलेबल या एब्सेंट? लेजी है बच्चे। बेटे आप बताओ एब्सोल्यूट वर्ड कब लगता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे एब्सोल्यूट वर्ड कब लगता है? जब सर जब लाइट रेडियस में जाती है, किसमें जाती है? रेडियस रेडियस तो कोई टर्म ही नहीं थी। वैक्यूम सर। वैक्यूम में जाती नहीं, वैक्यूम से आती है। चलो जाओ, ध्यान से सुनते नहीं। देखो एरो, वैक्यूम से आनी चाहिए, पता नहीं क्या सुनते हैं। वैक्यूम से लाइट आनी चाहिए भाई, लिखाया भी है आपको, लिखाने के बावजूद भी गलत। चलो अब मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए डेयरिंग, मैं नाम नहीं ले रहा, जो सारे सेक्शनों में फ्रंट पे निकल के आए और मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बोल के दिखाए। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिफ्रैक्टिव मिनट। इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव फाइंड इंडेक्स इज अ डायमेंशनल एंड नंबर दैट शोज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन की नहीं बतानी बेटे। इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। वेरी गुड, क्लियर। 8th A में कौन सा बच्चा था ये? गुरकेरक सिंह। वेरी गुड, 100/100 मार्क्स। ही सेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द रेशियो ऑफ टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ऐसे बच्चे ने क्लियर कट वर्डिंग बोली और मैं इस बच्चे को देखा नहीं है और मेरे को ये गारंटी है कि ये इस क्लास में लगभग टॉपरों में आता होगा बच्चा, मेरी असेसमेंट है। बहुत ही अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड इस बच्चे से, तो पहले भी इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। आप सारे बच्चों के लिए ये बच्चा चैलेंज है भाई, सारे बच्चों के लिए। ये हर बार आगे निकल जाता है, जब भी मैं अगला क्वेश्चन पूछूं तो आपने इसको बीट करने की कोशिश की। लो अब मेरा एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। शाबाश, एकदम से माइक पे आना और बोलना है। गुरकीरत से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 कब होता है? सर, कैंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है, क्या बात है, कौन सा बच्चा ये? सतवनीर 8th G। ओ वेरी गुड, तनवीर बेटे, तनवीर 8th G में। इतना कोई कांसेप्ट कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, देखो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए तभी ये लेस देन 1 आता है। आंसर किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक बात और सुनना, ये म्यू का जो सिंबल है बहुत से बच्चे इसको गलत लिखते हैं, कुछ बच्चे इसका सिंबल ऐसे बना देते हैं, गलत। इसका सिंबल है ऐसे, ओके करेक्ट। अब हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, या ऐसे करते हैं इसी को क्विक रिव्यू करते हैं। देखो बेटे 5 वोल्ट, टाइम इज हाँ ओवर। बस एक बार क्विक रिव्यू। देखो बच्चे सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, ऑल क्लियर, यस 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 बोलते रहो फटाफट। फिर ये पढ़ा, ऑल क्लियर, यस सॉरी यार, यस वैल्यूज याद कर ली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने।
यस फिर हमने ये पढ़ा। सही यस सही देखो इसमें ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये और ये, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। फिर हमने ये पढ़ा, यस यस फिर टीचर आपसे यस पूछ रहा है, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो दोनों हाथों से वेव करके अपने टीचर को इंडिकेशन देंगे। सो गुड सो गुड, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आई एम हाईली थैंकफुल टू द टीचर्स मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन, और आपके स्कूल के थैंक यू प्रिंसिपल, फॉर टीचिंग अस। वेल थैंक यू बेटे, प्रिंसिपल मैम का भी थैंक यू करना पड़ेगा, जरूर वो आपको असेंबली में गाइड करते होंगे कि क्लास में डिसिप्लिन बनाना। अच्छे प्रिंसिपल वाले स्कूल में ही इतना अच्छा डिसिप्लिन हो सकता है। सो गुड थैंक यू। बाबू।